वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच कांग्रेस के जिला स्तरीय प्रदर्शन में हुए शामिल। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर में किया गया प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन। भाजपा पर विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने के लग रहे आरोप। सरकार पर बदले की कार्यवाही के लग रहे आरोप। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये धरना प्रदर्शन बलौदा बाजार हिंसा जिस तरह से घटना घटी, सरकार की फेलियर थी, सरकार की विफलता थी, ये उसके विरोध में है। साथ ही सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए ये सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और अपनी बदनामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, हमारा NSI अध्यक्ष, हमारे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी के ऊपर जिस तरह से गिरफ्तारी की है, इसके विरोध में हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ में हम लोगों ने ये आंदोलन आज बिगुल फूंक दिया है। ये लगातार 10 साल से बैठकें करते आए हैं, रणनीति बनाते आए, उसका क्या फायदा हुआ? अमित शाह जी आए हैं छत्तीसगढ़, मैं अखबारों से सुना हूँ 3 दिन रह रहे हैं यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमित शाह जी खुद जंगल में जा रहे हैं, नक्सलियों को ढूंढ रहे हैं। आखिर नक्सली के खात्मा के नाम से कब तक आप राजनीति करेंगे? कभी बोलते हैं 2020 में ख़त्म कर देंगे, कभी बोलते हैं 2022 में ख़त्म कर देंगे, अभी 2024 हो गए जनाब, समय पे समय बढ़ाते जा रहे हैं आप। आप नक्सली खत्म करने आए हैं या आदिवासियों, जल जंगल जमीन और उद्योगपतियों को सौंपने आए हैं? ये सवाल है हमारा।